कालू कौवा बहुत ही बेफिकर कौवा था। उसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। और ये है उसका घोंसला, टूटा फूटा, सब कुछ बिखरा हुआ। क्या करना है, रहने से मतलब है। शो ऑफ नहीं करता मैं, सर पे छत होनी चाहिए बस। उस रात को एक तूफान आया। और कालू कौवे की छत बह गई, दीवारें भी बह गई। कालू परेशान, अरे मैं तो भीग गया, इतनी ठंडी है, तेज हवाएं भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है, मेरा घर टूट गया। चलो अब कहीं जाके और कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। चिऊ ताई के घर चला जाता हूँ, बड़ा घर है उनका, दीदी मुझे मना थोड़ी करेगी। चिऊ ताई, मैं कालू कौवा, दरवाजा खोलो ना। कालू भैया, हाँ जरा रुको, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। थोड़ी देर में कौवे ने फिर आवाज लगाई। जल्दी खोलो ना चिऊ ताई, मैं पूरा भीग गया हूँ। बस थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ कौवा भैया। बाहर कौवे की हालत खराब थी, वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी तो कुल्फी जम रही है, जल्दी खोलो ना चिड़िया बहन, मैं नहला दूंगा तुम्हारा बच्चा। हाँ हाँ खोल दिया, आ जाओ अंदर कौवा भैया। आज बारिश में कैसे आना हुआ? बारिश का तूफान है ये, मेरा तो पूरा घर बह गया। मुझे बताता तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, बस तूफान के बाद चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से मजबूत घर बनाया है, आपने घर कमजोर बनाया था इसलिए बह गया। कालू कांपता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अरे रुको रुको, मैं टॉवल लाती हूँ, पोंछ के बैठो। हाँ हाँ लो कौवा भैया, ये टॉवल से पोंछो और यहाँ बैठ जाओ, मैं फटाफट नहा के आती हूँ। हाँ हाँ चिऊ ताई, तुम अपना काम कर लो, मैं यहीं रुकता हूँ। फिर चिऊ ताई नहाने चली गई। कौवा पहुंच के इधर उधर देखने लगा, उसने देखा कि स्टोव पे कुछ पक रहा है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है, बढ़िया खुशबू भी आ रही है, जरा चखी तो देख लूं कैसी खीर बनाती है चिड़िया रानी। गरम है, वाह ये तो बहुत यमी है, चलो थोड़ी सी और खा लेता हूँ। चिऊ ताई तो वैसे भी पतली सी है, मजा आ गया, गरम खीर खा के पूरे शरीर में गर्मी आ गई, थोड़ी और खा लेता हूँ। चिऊ ताई इतनी खीर खाएगी क्या? बढ़िया है, अरे ये तो बहुत कम खीर बची है, अब इसमें चिऊ ताई का तो पेट भी नहीं भरेगा, चलो खीर खत्म ही कर देते हैं। मजा आ गया, चलो अब यहाँ सोफे पे थोड़ा पैर सीधा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा सारी खीर खत्म करके गहरी नींद में सो गया। अरे ये तो सो गया, और ये क्या गिरा है यहाँ सफेद? ये तो खीर लगती है, कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? सत्यानाश हो इसका, मेरी सारी खीर खत्म कर दी, मैंने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई और ये सारी चट कर गया। इसको घर में लिया, यही गलती कर दी मैंने, अभी सबक सिखाती हूँ मैं इसको। चिऊ ताई बहुत गुस्से में थी, उसने गरम तवा लिया और कालू कौवे के सर पे दे मारा। आई
सर फूट गया, जल गया, जल गया। चियूताई ये क्या कर रहे हो? तूने मेरी खीर खाई? रुक, अभी और जलाती हूँ तुझको। नहीं, भागो, गलती हो गई। मुझे मत जलाओ, भागो, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। बस उस दिन से चिड़िया और कौवे की दुश्मनी है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।